भारत का अपवाह तंत्र एवं प्रमुख नदी बेसिन। भारत की भूमि के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक विकास का मुख्य आधार नदियां रही हैं। सिंधु बेसिन। इस बेसिन में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि नदियां हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। इसमें सिंधु नदी प्रमुख है, जो कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील के दक्षिण भाग से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। यहाँ सघन कृषि की जाती है। उपजाऊ भूमि और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के कारण भी बेसिन में सघन बसाहट पाई जाती है। भारत व पाकिस्तान के बीच सन 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत इस नदी का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इसके जल का उपयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। गंगा बेसिन। गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ भारत के उत्तरी भाग में विशाल मैदान की रचना करती है। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है। ये नदियाँ बाढ़ में प्रत्येक वर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव करती हैं, जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यहाँ सघन कृषि की जाती है। इन नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। इनसे सिंचाई की सुविधा, विद्युत उत्पादन, मत्स्य उद्योग, पर्यटन उद्योग आदि विकसित हुए हैं। समतल मैदानी भाग होने के कारण यहाँ परिवहन के साधनों और उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। यह देश का अधिकतम जनसंख्या वाला भाग है। सुंदर वन में मानव जीवन। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व कई धाराओं में बंट जाती है और अपने साथ लाए गए अवसाद के जमाव से डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं। सुंदर वन के लगभग 110 छोटे बड़े द्वीपों पर रह रहे लोगों का जीवन संघर्षमय है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा मछली पकड़ना, खेती करना, जंगल में शिकार करना एवं मधु एकत्र करना है। हर वर्ष चक्रवाती तूफान भी नुकसान पहुँचाते हैं। पीने योग्य पानी बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। मछली और केकड़ा पकड़ने की जुगत में अक्सर लोग बाघ के शिकार हो जाते हैं। रिहायशी इलाकों में खारे पानी से उपजाऊ जमीन नष्ट हो रही है। यहाँ के पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। जंगल की हरियाली कम हो रही है। सुंदर वन में अब सुंदरी वृक्ष कम हो रहे हैं। हाथी घास काटी जा रही है। हाथी घास के पत्ते बाघ की पीठ पर बनी धारियों के समान होते हैं, जहां बाघ आसानी से छिपता है। इस घास के कटने से बाघ बाहर आ रहे हैं। अपनी रक्षा के लिए बाघ मनुष्य पर हमला कर रहे हैं। आबादी का अतिक्रमण अघोषित क्रम से वन क्षेत्र में हो रहा है। जब डेल्टा में बाढ़ आती है तो बाघ और शावक बहकर किनारे आ जाते हैं और गांवों में घुस जाते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार के कारण जंगल में बाघ का भोजन कम हो रहा है। हिरण और जंगली सुअर कम हो गए हैं, इसलिए बाघों द्वारा मानव का शिकार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सन 2004 तक लगभग 6 लाख लोग पलायन कर चुके थे। पाथर, प्रतिमा, हेंगल गांज, गोसाना जैसे क्षेत्रों में बांस नहीं बचे हैं। बनाए गए तटबंध टूट रहे हैं, जिससे भारी जनधन की हानि हो रही है।